बाहरी जिला मंगोलपुरी व पश्चिम विहार की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 40 लाख कैश लूट के तीनों आरोपियों के घर से 35 लाख बरामद कर अपनी गिरफ्त में लिया। मंगोलपुरी पुलिस को 40 लाख की लूट होने की सूचना मिली। मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास मौके पर पहुंची पुलिस को धर्मेंद्र ने बताया, मैं अपने साथी हिमांशु के साथ 40 लाख नकद कैश लेकर फ्लाईओवर से गुजर रहा था कि तभी मोटरसाइकिल सवार चार युवक उनसे पैसों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा नकद कैश लूट का मामला दर्ज करते बाहरी जिला एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा की कमांड में मंगोलपुरी एसीपी वीरेंद्र काद्यान के दिशा निर्देशन में मंगोलपुरी एसएचओ मुकेश कुमार और पश्चिम विहार थाना प्रभारी तेजपाल सिंह के नेतृत्व में दोनों थाना पुलिस की संयुक्त टीम जिसमें इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, एसआई सतीश, कांस्टेबल नवीन, कांस्टेबल सुनील, कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल नवीन, हवलदार दीपक, कांस्टेबल राजेश और कांस्टेबल सुनील की टीम को गठित कर आरोपित लुटेरों की धड़ पकड़ के लिए लगाया गया। पुलिस टीम ने वारदात वाली जगह से सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपने सूचना तंत्र माध्यमों द्वारा जानकारी जुटाते हुए लोहे का व्यापार करने वाले हिमांशु कपूर ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा, उसने 4:30 बजे के करीब अपने अकाउंटेंट धर्मेंद्र और रसोईया हिमांशु को एक साथ भेजा था। इस 40 लाख लूट के पीछे व्यापारी मालिक ने दोनों कर्मचारियों पर शक जताते हुए कहा, धर्मेंद्र उम्र 24 साल निवासी नागलोई से है जो उसके पास अकाउंटेंट का काम करता है। दूसरा हिमांशु उम्र 23 साल जो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से है वह पिछले एक महीने से रसोई के रूप में काम कर रहा था। दोनों की इस लूट में शामिल होने की शंका जताई गई है। पुलिस द्वारा शक के आधार पर धर्मेंद्र और हिमांशु से कड़ी पूछताछ की गई तो दोनों काफी देर तक पुलिस को बरगलाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन आखिर में दोनों ने इस लूट में शामिल होने की बात को कबूल लिया। पुलिस ने दोनों के घर छापेमारी दौरान मौके से 35 लाख नकद कैश बरामद कर लिया व वारदात में इस्तेमाल होंडा एक्टिवा स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। इनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी धर्मेंद्र के दोस्त रौनक कुमार उम्र 22 साल को नागलो से छापेमारी कर दबोच लिया, जिसको धर्मेंद्र ने प्लानिंग के तहत इस नकली कैश लूट में शामिल किया था। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए आईपीसी की धारा तहत मामला दर्ज कर तीनों से बकाया 5 लाख की राशि के बारे में आगे की गहन तफ्तीश जारी है। इस तरह पश्चिम विहार व मंगोलपुरी की संयुक्त टीम ने महज कुछ घंटे में 40 लाख कैश लूट मामले को सुलझाते हुए बड़ी कामयाबी को किया हासिल, जो अत्यंत काबिले तारीफ है। दिल्ली से विशेष संवाददाता अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट।